सोलन पुलिस लगातार चिट्टा बेचने वालों पर शिकंजा कसती जा रही है, जिसके चलते हीरोइन का कारोबार करने वाले इस धंधे को करते हुए डर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ये नशे के कारोबारी दिल्ली जाकर नाइजीरियन से चिट्टा लेकर आते थे, लेकिन अब ये पुलिस के खौफ से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि अब नाइजीरियन ग्राहकों की खोज में खुद सोलन पहुंच रहे हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने जाल बिछाकर नाइजीरियन को 25.48 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए जिला सोलन पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि नाइजीरिया का व्यक्ति सोलन में घूम रहा है। पुलिस उस पर पैनी नजर रखे हुए थी। जैसे ही उनका शक पुख्ता हुआ तो उन्होंने तुरंत उस नाइजीरियन को धर दबोचा, जिसके पास से करीबन 25.48 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया 42 वर्षीय व्यक्ति फ्रैंक ओवे अफ्रीका मूल का है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये चिट्टा किसको बेचने के लिए सोलन लाया था और कौन कौन व्यक्ति इसके संपर्क में हैं। एसआईयू की टीम जब गश्त पर थी तो उन्होंने एक व्यक्ति जो अपना नाम फ्रैंक सन ऑफ ओबो आरओ नाइजीरिया बताता है, उसको पूछताछ के लिए पकड़ा और जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 25.48 ग्राम 25.48 ग्राम चिट्टा जो है वह बरामद किया गया। तो उसकी बिना पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये अभी तक हम जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें से इसको तीसरा फॉरनर जो है, तीसरा विदेशी जो है, उसको हमने गिरफ्तार किया है चिट्टे की खेप के साथ। ऐसे लगता है कि वो शायद यहां भी आना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन हम मुस्तैद हैं और जनता का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए नशे के ऊपर हम पूरी लगाम लगाएंगे।